गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि अथ पवित्री करणम ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वाहयाभ्यन्तरश्रुतिः पुंडरीकाक्षः पुनातु त्रिराचमनम् ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः अस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः आसन शुद्धि ओम पृथ्वी त्वया भूयाशनम् स्वस्तिलगधारणम् ओम स्वस्तिनायिन्द्रो वृद्धस्रवाः विश्वदेवाः स्वस्तिनस्तारक्षो आर्योषिवन्नासाग्निगर्भोद्भिदम् करतले वेणुकरीकङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठेज मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि देवाभरम पशी बाक्षरंगष्टवाग्म सतनो भृजसे महिदेवितम जगायु सदमिन्नु शरदो अंतिदेवा जतानो राम उतरा स्वाहा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सर्वा शान्तिरेधि यतो यतः जय श्री राम। आज जैसे देश में महामारी ने पूरे भारत को नाना प्रकार का कष्ट दिया, तो निश्चित है कि साधु संतों के अंदर एक वेदना होती है कि मेरे सनातन धर्म में बहुत बड़ा कष्ट आ गया है। तो इस कष्ट को दूर करने के लिए मन में एक संकल्प लिया कि यदि भारत से महामारी खत्म हो जाती है तो एक सचंडी यज्ञ और देवी भागवत पुराण सनातन धर्म का कल्याण करने के लिए मैंने ये शुरू करवा दिया। अचानक ये कार्यक्रम रखा गया जिसमें से कि देश में सुख शांति बनी रहे, सबका कल्याण हो, यश हो, कीर्ति हो, वैभव हो। दूसरा मेरा ये है कि आज भारत देश जो हमारा है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा मैं माँ भगवती से प्रार्थना कर रहा हूँ। 9 दिन का ये संकल्प लेके मैं बैठा हुआ हूँ कि हमारा जो भारत है हिंदू राष्ट्र घोषित हो और जो गौ माता है हमारी राष्ट्रीयकरण हो, क्योंकि आज हमारे सनातन धर्म में मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी हमको न रहने का जगह है और न हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। आज अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो मैं गर्व से कह सकता हूँ, मेरा सनातन धर्मी भाई बहन समाज कह सकता है कि हम हिंदू हैं। इसके लिए मैं माँ भगवती से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारा जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए और इस क्षेत्र में जबलपुर में और भारत में सुख शांति बनी रहे, उसके लिए मैंने ये सचंडी महायज्ञ का कार्यक्रम रखा हूँ जिसमें से 11 ब्राह्मणों को मैंने वरण कर दिया हूँ। मेरे साथ मेरा शिष्य समाज जुड़ा हुआ है और इस कार्यक्रम को भव्यता दे रहा है और बोल रहा महाराज जी आपके आशीर्वाद से निश्चित है सब कार्य सफल होगा और सफलता की ओर जा रहा है। आज तीसरा दिन है, प्रतिदिन यहाँ पे 3 बजे से 6 बजे तक देवी भागवत कथा होती है। जो व्यास पीठ में बैठे हुए हैं बाल गोविंद शास्त्री जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छी रचना और बहुत अच्छे व्याख्या कर रहे हैं, इससे यहाँ की जनता बहुत संतुष्ट है। और इसमें जो योगदान हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं वो हमारे ठड़ेश्वर महावर शिवसेना प्रदेश प्रमुख हैं। उन्होंने हमसे बोला कि महाराज जी हमको कुछ करना चाहिए, तो मैंने कहा भैया क्या करना चाहिए, तो बोले महाराज जी यदि आपका कृपा हो जाए तो यहाँ एक देवी भागवत पुराण हो जाए और सचंडी यज्ञ हो जाए। तो मैंने कहा भैया ये संकल्प मेरा बहुत पहले से चल रहा था, यदि आप मुझे इतना सपोर्ट कर दें तो फिर ये कार्य सिद्ध हो सकता है, सनातन धर्म का कल्याण हो सकता है और गौ माता राष्ट्रीयकरण हो और हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। ऐसा मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, मध्य प्रदेश के सरकार से और अपने सनातन धर्म हिंदू समाज से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, इसकी सब कोई खुल के मांग करें जिसमें से हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। यह जो यज्ञ का आयोजन किया गया है, मैं आचार्य रामफल शुक्ल, इस यज्ञ में महाराज श्री की आज्ञा से मुझे यज्ञाचार्य की सेवा दी गई है। और जैसा कि हम संतों विद्वानों और महापुरुषों से श्रवण करते चले आ रहे हैं,
यज्ञात भवन्ति पर्जन्यः पर्जन्या दन्य संभवः, अर्थात यज्ञों के द्वारा ही हमें दैवी शक्तियां प्राप्त होती हैं। और संसार का प्रत्येक कार्य मानव का केवल संकल्प होता है, उसे पूर्ण करने वाली वही दैवी शक्तियां होती हैं, चाहे वह भगवान श्री राम की कृपा हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो और चाहे भगवती जगदम्बा की कृपा हो। मैं इस परिसर में आने के बाद यह अनुभव करता हूँ, यह पूरा प्रांत, यह पूरी वनस्थली, यह पूरा पर्वत शिखर साधना से परिपूर्ण है, जहाँ विगत अनेकों वर्षों से स्वामी श्री राम जी शरण जी महाराज, जिन्होंने यहाँ पर अटूट साधना किया है, भगवती जगदम्बा के प्रति इन्होंने अपना आत्मसमर्पण करके रात दिन साधना किया है, इनके साधना के सूक्ष्म परमाणु हमारी मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं और इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के पावन संकल्प से यह पावन सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद देवी भागवत महापुराण प्रातःकालीन सत्र में प्रातःकाल 8 बजे से ही यह यज्ञ का शुभारंभ हो जाता है। और इस यज्ञ में 11 ब्राह्मण 11 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर समस्त देवी देवताओं की आराधना के साथ विधिवत पूजन एवं हवन का कार्य चलता है। और सायंकालीन सत्र में पूज्य डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री जी महाराज के पावन मुखारविंद से श्रीमद देवी भागवत की दिव्य अद्वितीय कथा। यह देवी भागवत एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें माता जगदम्बा के पवित्र पावन चरित्रों का विशद वर्णन है, विस्तृत व्याख्या की गई है और वह सुनने का सौभाग्य यहाँ की जनता जनार्दन को हो रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि यह सारा श्रेय पूज्य महाराज श्री श्री रामजी शरण जी महाराज एवं श्री ठाड़ेश्वर महावर जी के पावन अथक प्रयास और सहयोग के द्वारा यह संचालित है। और इसका उद्देश्य, जैसा कि मैंने महाराजा श्री से भी सुना और भैया ठाड़ेश्वर जी से भी सुना, कि हमारा यह भारत देश अखंड बने, हिंदू राष्ट्र घोषित हो और गौ माता की सेवा सतत होती रहे, राष्ट्रीय पशु के रूप में माता गौ की सेवा होती रहे, यही इस यज्ञ का पावन उद्देश्य है। और हम सबके हृदय में माता जगदम्बा की अटूट निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा के साथ माँ की कृपा हम सबको प्राप्त हो। जय श्री राम। 7 तारीख से जोगनी माता की पूजन अर्चन के पश्चात शोभा यात्रा के रूप में हम सभी लोग शारदा काली मठ मंदिर, श्री रामचरण जी महाराज जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और यहाँ पर कथा व्यास के रूप में हमारे डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री जी और हमारे जितने यहाँ ब्राह्मण देवता के रूप में सभी विराजमान हैं, जिनके सानिध्य में सवेरे रोज सचंडी महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। और इसका उद्देश्य, जैसा गुरुजी ने बताया, उसके साथ साथ कि जितने धनाढ्य व्यक्ति हैं वो तो किसी भी प्रकार का आयोजन कर सकते हैं और यजमान भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि जबलपुर शासन ने रेलवे की भूमि पर तोड़ करके सबको यहाँ बसाया और सारे लोग गरीब परिवार के लोग हैं और साई नगर में भी पूरा गरीब परिवार रहता है, उन गरीब परिवारों के परिवार भी यजमान बनकर के बैठ सके और उनको इसका लाभ मिल सके और धर्म परिवर्तन की तरफ जिनका ध्यान जा रहा है उन लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान हो, क्योंकि पेट को चलाने के लिए श्रम जरूरी है और श्रम के कारण लोगों को धर्म के लिए समय नहीं रहता है। इसलिए गुरुजी का यह जो महान तपस्या और उनका जो यहाँ पर तप चल रहा है, उसी तप के तहत उनकी ये सोच के अंदर आया और उन्होंने ये महान कार्य यहाँ किया है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उसमें हम लोग सहभागी बन रहे हैं।